आ रही। आपको बता दें कि जहां पर बाइक सवार हमलावरों ने महिला को मारी गोली, बाइक सवार हमलावरों ने महिला को मारी गोली, घायल महिला को सफाई पीजीआई में किया गया है रेफर। आपको बता दें मैनपुरी से खबर आ रही है जहां पर एक महिला को गोली मारी गई है, चार हमलावरों ने घटना को दिया है अंजाम। लालपुर खुर्जा गाँव के पास की ये घटना है जहाँ पर निवासियों के द्वारा महिला को गोली मारी गई, बाइक सवार हमलावरों ने महिला को मारी गोली। इसके बाद आपको बता दें घायल महिला को सफाई पीजीआई में किया गया है रेफर। घायल महिला को सफाई पीजीआई में रेफर किया गया और चार हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये लालपुर खुर्जा गांव के पास की घटना है जहां पर चार बाइक सवारों चार लोगों के द्वारा हमलावरों ने महिला को मारी गोली। आप बता दें कि चार हमलावरों के द्वारा महिला को गोली मारी गई, जिसके बाद घायल महिला को सफाई पीजीआई में रेफर किया गया है। चार हमलावरों ने इस घटना को दिया अंजाम। ये मैनपुरी से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर ये घटना सामने आई है जहां पर एक युवती को एक महिला को बाइक सवारों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि गोली मार के घायल महिला को सफाई पीजीआई में किया गया रेफर। चार आदमी थे। चार लड़का थे जी। हाँ, एक मोटरसाइकिल जी। अरे वो आया मोटरसाइकिल लगता है। अरे वो हमारे गोली मारते। किसने गोली मारी? किसी को पहचानती हो आप? इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता चंद्रजीत। तो चंद्रजीत, ये जो मामला सामने आया है, हादसा सामने आया है जहां पर चार बदमाशों के द्वारा एक महिला को सरेआम सड़क पर गोली मारी गई, घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, पर ये जो गोली मारने का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला देवर थाना क्षेत्र का है जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गोली मारी। बताया गया कि महिला, जिसका नाम डॉली है, अपने पति सर्वेश के साथ देवर बस स्टैंड से बाइक के द्वारा अपने घर रखे जा रही थी, तभी देवर थाना क्षेत्र के कुसमरा मार्ग पर लाल खुरिया के समीप चार बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गोली मारी है। आनंद फानंद में पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत के चलते उसको सभी पीजीआई में रेफर किया गया है। जी, और आरोपियों की जो तलाश है, जिन लोगों ने जिन हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है, तलाश कहाँ तक पहुंची है अभी? आपको बता दें, घटना के बाद थाना बेवर क्षेत्र और आसपास नगर की पुलिस जो हमलावर है उनकी तलाश में जुटी हुई है और पूरी जानकारी करने का प्रयास कर रही है। आखिर मामला क्या है पूरा? जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद चंद्रजीत। तो आपको बता दें कि घायल महिला को सफाई पीजीआई में रेफर किया गया। आपको बता दें कि सरेआम चार हमलावरों के द्वारा, बाइक सवार हमलावरों के द्वारा एक महिला को गोली मार दी गई, घायल महिला को सीएससी में कराया भर्ती।